हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ की टाइप। तो जैसा कि आप जानते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में चार मुख्य टाइप्स होती हैं: टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ के उन क्वेश्चंस की जो कि बैंकिंग के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये प्री के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और मेंस के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट रहेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चंस आप समझते हैं कि बैंकिंग के एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, तो आपकी कैलकुलेशंस पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से लर्न करते हैं कि बार ग्राफ के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए। आपके सामने ये एक बार ग्राफ है। डेटा इंटरप्रिटेशन की सबसे पहली क्लास में हमने एक क्वेश्चन सेट किया था जो बार ग्राफ पे आधारित था। उसमें एक सिंगल बार था, लेकिन यहां पर डबल बार्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर IBPS, SBI, RBI, SSC, RRB हर एक के लिए दो दो बार्स का प्रयोग किया गया है या दो दो हिस्टोग्राम्स का प्रयोग किया गया है। तो आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। Study the following graph carefully to answer these questions. Number of students, males and females, in thousands passed out from various exams in a year. तो यहां पर आपको स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है जो अलग अलग एग्जाम्स में पास हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले एक जानकारी जरूर लें, और वो ये है, तो जो भी ग्राफ आपको दे रखा है उसमें एक्स एक्सिस में क्या है, उसमें वाई एक्सिस में क्या है और एक्स एक्सिस में क्या दिया गया है, ये एक बार जरूर ऑब्जर्व कर लें। तो यहां एक्स एक्सिस में आप देख पा रहे हैं दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स, और वाई एक्सिस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर अलग अलग एग्जाम्स का स्टेटस दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट फ्रॉम IBPS एग्जाम एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट फ्रॉम RRB एग्जाम। ये रहा RRB और ये है IBPS। तो IBPS में टोटल स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं उनकी संख्या है 15 + 22.5, माने 15,000 + 22,500, तो ये बने 37.5। और RRB में इनकी संख्या है 7.5 या 7,500 प्लस 10,000, तो ये बना 17.5 या 17,500। डिफरेंस मांगा है 37,500 में से 17,500 को स्ट्रेट अवे अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में डिफरेंस आएगा 20,000, जो कि दिया गया है हमें यहां पर किसी भी चॉइस में नहीं। तो हमारा आंसर आना चाहिए नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या यहां पर जो प्राप्त हुई है वो है 20,000, जबकि आप ये कहेंगे कि ए चॉइस में 20,500 दिया गया है, ये तो करेक्ट आंसर है नहीं। तो ये ना सोचें कि ये नियरेस्ट है 20,000 के, तो इसलिए ये आंसर हो गया। ऐसा केवल तभी होगा अगर नन ऑफ दीज नहीं दिया गया होगा। अगर कभी भी नन ऑफ दीज चॉइस आपको दी जाती है तो हमेशा याद रखें कि जो एक्यूरेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, केवल वही आपका आंसर हो सकता है। उसके आसपास वाली संख्याएं आपका आंसर तब तक नहीं हो सकती जब तक कि एक शब्द अप्रॉक्सीमेटली आपको ना दिया जाए। अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको दिया गया है तब आप आसपास की किसी फिगर को अपनी आंसर चॉइस बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये याद रखें कि आपको नन ऑफ दीज ही आंसर मार्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेल्स पासिंग आउट फ्रॉम IBPS एग्जाम एंड SBI एग्जाम टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स पासिंग आउट फ्रॉम RBI एग्जाम एंड SSC एग्जाम टुगेदर। भाई सबसे पहला काम, नंबर ऑफ मेल्स पासिंग आउट फ्रॉम IBPS एंड SBI, ये रहा IBPS, ये रहा SBI। नंबर ऑफ मेल्स की बात करें जो पास आउट होते हैं तो वो है 15 + 17.5
जो कि बना 32.5 या फिर 32,500। नंबर ऑफ फीमेल्स पासिंग आउट फ्रॉम आरबीआई एंड एसएससी, ये रहा आरबीआई, ये रहा एसएससी। नंबर ऑफ फीमेल्स आरबीआई में है 35,000 और एसएससी में पास आउट होने वाली 30,000, तो इसका टोटल बना 65,000। सो नंबर ऑफ मेल्स है 32.5 और नंबर ऑफ फीमेल्स 65 × 100 करेंगे तो आपको डिजायर्ड परसेंटेज मिल जाएगी। ये डेसिमल मार्क हटाने के लिए यहां पर आप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये जीरो यहां कट जाएंगे। दोनों के दोनों फिगर्स आप देख सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड होती है, तो 5 × 6 और ये 5, तो 65 से ही डिवाइड हो रही है, तो क्यों ना डायरेक्टली इसे 65 से काट के 5 कर दिया जाए। अब बचा 5 × 10, आंसर आया 50%, जो कि आपको दिया गया है चॉइस डी में, तो चॉइस डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फीमेल्स पास्ड आउट फ्रॉम आरबीआई एग्जाम इज अप्रॉक्सीमेटली, देखिए अब आपको अप्रॉक्सीमेटली दिया है, यहां आरबीआई एग्जाम में फीमेल्स कितनी पास आउट हुई हैं ये हमें देखना है। इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पास्ड आउट फ्रॉम ऑल द एग्जाम्स टुगेदर, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पास्ड आउट फ्रॉम आरबीआई एग्जाम इज 35 एंड फ्रॉम ऑल द एग्जाम्स यहां पर ये फिगर्स हैं जिनका हमें सम टोटल लेना है, तो ये बना 35 × 22.5 + 20 + 35 + 30 + 10 × 100, तो 35 देखिए 22.5 + 20 = 42.5 + 30 = 72.5 + 10 = 82.5 + 35 = 117.5, तो ये आया 117.5। हटा दीजिए, यहां पर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, बाकी आया 100। अब ये दोनों फिगर्स जो हैं ये 25 से डिवाइड होती हैं, देखिए क्योंकि लास्ट टू डिजिट्स 25 से डिविजिबल हैं, तो 350 को 25 से डिवाइड करें, 25 ones are 25, 35 में से 25 गया 10 बचा, 0 से कंबाइन हुआ 100 बना, तो 25 4s are 100। इसी तरह यहां पर 25 4s are 100, 17 बचा, 5 से कंबाइन होके 175 बना, तो 25 7s are 175, तो ये एक तरह से हमें मिला 1400 / 47। देखिए अप्रॉक्सीमेट तो आप यहां पर कर सकते हैं क्योंकि चॉइसेस काफी दूर दूर दी गई हैं, तब भी अगर देखेंगे तो 47 × 3, 7 × 21, 3 × 12, 141, तो लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30% आना चाहिए, जो कि हमें यहां पर दिया गया है चॉइस बी में, यह हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल्स एंड फीमेल्स पास्ड आउट फ्रॉम ऑल द एग्जाम्स टुगेदर, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर दी गई सारी फिगर्स को हम कंबाइन कर देंगे, इधर 15 + 22.5 = 37.5, इधर ये भी 37.5, 20 + 17.5, फिर 35 + 27.5, 62.5, 30 + 25, 55, 10 + 7.5, 17.5, तो सीधा इसे पहले ऐड करें बना 100, इन्हें ऐड करेंगे 17.5 और 37.5 को, तो बनेगा 55, तो 55 + 55, देखिए ये तो ऐड कर दिया आपने फिगर्स, बात कर रहे हैं यहां पर 100 की, यहां बात कर रहे हैं 55 की, क्योंकि ये भी हमने ऐड कर दी है, तो 100 + 55 + 55 = 110 होता है, प्लस 100 करेंगे तो 210 हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में जो पास आउट हुए हैं वो है 210, आगे 1000 भी है, डिवाइडेड बाय,
ये कितने एग्जाम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्स हैं। तो 5 4s are 20, 5 2s are 10, 42,000 हमारा आंसर आता है, जो कि दिया गया है चॉइस सी में। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो? रेशियो निकालना है आपने ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पास्ड आउट फ्रॉम ऑल द एग्जाम्स टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स कैलकुलेट करें, 15, 17.5, 27.5, 25, 7.5। तो ये दोनों फिगर्स आपने ऐड करी, बना 45। 45 और 15 को ऐड किया, बना 60। 60 और 25 को ऐड किया, बना 85। 85 और 7.5 को ऐड किया, बना 92.5। तो 92.5 तो नंबर ऑफ मेल्स हो गए। बात करते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स की, 22.5, 20, 35, 30 और 10। सो 22.5 प्लस 20 ये बना 42.5, प्लस 35 करेंगे तो बनेगा 77.5, प्लस 30 करेंगे तो 107.5, प्लस 10 करेंगे तो 117.5। तो बस इसी तरह से छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं जो हमें करनी है। तो रेशियो हमें चाहिए मेल्स इज टू फीमेल्स का। मेल्स मिले थे 92.5 और फीमेल्स 117.5। डेसिमल हटाइए, 925 इज टू 1175। 25 से डिवाइड होता है, लास्ट टू डिजिट्स 25 से डिवाइड होती हैं, 25 भी और 75 भी। तो 25 × 3 = 75, बाकी बचा 17, 5 से कंबाइन हुआ 175 बना। तो 25 × 7 बना 175। तो हमारे पास में मेल्स के लिए रेशियो पॉइंट्स आ गए हैं 37। फीमेल्स इसे भी 25 से डिवाइड कर दें, 25 4s are 100, 175 बचा, तो 25 7s are 175, 37 is to 47, जो कि हमें दिया गया है चॉइस ए में। सो चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस एडिशन करनी थी यहां पर, थोड़ा बहुत आपको रेशियो के लिए बैलेंस आउट करना था नंबर्स को, तो आपने 25 से डिवाइड कर दिया। छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं, और अगर आप खासकर बैंकिंग के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन में तो अच्छा होना ही पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखें, ये फिगर जो आपको यहां पर दिख रही है, इसमें जो बार्स हैं वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का एग्जाम्पल है, और यहां पर एक एक यूनिट के लिए तीन तीन बार्स हैं, जो जैसा आप देख पा रहे हैं यहां पर यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक के लिए भी तीन हैं। तो हर एक के लिए तीन तीन बार्स या तीन तीन हिस्टोग्राम्स हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पांच हो जाए, कोई ना कोई मीनिंग उसके साथ अटैच होगा, वो हम स्टडी करेंगे, और क्वेश्चन के अनुसार आप ग्राफ को स्टडी करके फिर आंसर निकालेंगे। तो जैसा कि हमारी बात हुई थी, पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग ग्राफ द नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर 6 डिफरेंट बैंक्स इन 3 डिफरेंट ईयर्स 2015, 16 एंड 17 हैज बीन शोन। इसीलिए हर एक बैंक के लिए तीन बार्स दिए गए हैं, पहला 2015, दूसरा 2016, तीसरा 2017 के लिए। सो रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो? इससे पहले एक बार जरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख ले। वाई एक्सिस पे आपको यहां बैंक्स दिए गए हैं और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ये लेजेंड दिया है, ग्रीन सबसे ऊपर वाला 2017, रेड बीच वाला 2016, और उसके नीचे ब्लू वाला बार 2015 के आंकड़ों को या डेटा को रिप्रेजेंट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड इन ऑल बैंक्स इन 2015 एंड 2017।
तो 2015 इज टू 2017 में जो भी एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे उनके बीच में रेशियोज लेने हैं। तो 2017 में ये स्टूडेंट्स की संख्या या कैंडिडेट्स की संख्या क्या थी, आइए देखते हैं। तो बस ग्रीन वाला जो बार है उसके आगे जो भी संख्याएं दी गई हैं उन्हें जोड़ लें, तो ये 2017 की संख्या मिल गई। किसके लिए? यूको बैंक के लिए। 260, 350, 290, 130, 70 और 50। तो 260 प्लस 350 ये मिला हमें 610, 610 प्लस 290 ये बना 900, प्लस 130 1030 प्लस 70 1100 प्लस 50 1150। 2017 में जो टोटल संख्या है इन कैंडिडेट्स की सारे बैंक्स में मिला के वो है 1150। एवरेज निकालनी है तो 6 से डिवाइड करना होगा क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 6 बैंक्स हैं। बात करते हैं 2015 की ब्लू कलर के बार्स की। तो यहां पर आपको आंकड़े दिए गए हैं, डेटा दी है 200 प्लस 280 कर दें 480 प्लस 330 810 प्लस 100 910 प्लस 40 950 प्लस 80 1030। तो 2015 में ये टोटल है 1030 डिवाइड बाय 6 कर दें तो एवरेज मिल जाएगी। अब 6 दोनों ही जगह पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन है तो हटा दें, 0 भी हटा दें, तो हमारे पास में अब जो रेशियो आया वो आया 103:115 और ये रेशियो आपको दिया गया है चॉइस ई में। तो चॉइस ई आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिक्रूटेड फ्रॉम सिंडिकेट बैंक इन 2016 इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स रिक्रूटेड इन दैट ईयर। तो बात हो रही है यहां पर सिंडिकेट बैंक की। ये रहा जी सिंडिकेट बैंक, और सिंडिकेट बैंक में 2016 की बात हो रही है। देखिए ये है लेजेंड 2016 का ब्राउन कलर का, तो ये हुए थे 250। तो ये 250 क्या परसेंटेज होगी टोटल कैंडिडेट्स रिक्रूटेड इन 250 अक्रॉस ऑल द बैंक्स। माने यहां पर हमें ये सारी की सारी संख्याएं जोड़नी होंगी। देखिए 220 प्लस 250 प्लस 360 प्लस 160 प्लस 30 प्लस 10 परसेंटेज पूछ रहा है तो इनटू 100। तो ये बना 250 डिवाइडेड बाय, ऐड कर दें इन फिगर्स को, 220 प्लस 250 470 प्लस 30 कर दो 500 यही बन गया, प्लस 360 860 प्लस 160 1020 प्लस 10 1030 इनटू 100। तो ये देख के मालूम पड़ रहा है कि ये यहां पर नियरली 25% है। तो देखिए वर्ड दिया है अप्रॉक्सीमेटली, दूसरा चॉइसेस देखिए एक दूसरे से काफी दूर है, तो 25% के आसपास तो बनी रहा है। 25 आउट ऑफ 100 इज 25%, तो 25 आउट ऑफ 103 25 से थोड़ा सा ही कम होगा, और अप्रॉक्सीमेट करना है तो 25% तक कर सकते हैं। और चॉइसेस भी ऐसे दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि चॉइस आपको 23% 24% 25% 26% ऐसे दी हैं। अगर ऐसी दी गई होंगी इतनी क्लोज चॉइसेस 23 24 25 26 तो उस केस में आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां पे अप्रॉक्सीमेट करें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सो चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिक्रूटेड फॉर आंध्रा बैंक In all the years is approximately what percent of the total candidates recruited in 2015 by all the banks? तो बात चल रही है जी 2015 की। All the banks की अगर बात करें तो 80
प्लस 40 120 प्लस 100 220 प्लस 330 550 प्लस 280 830 प्लस 200 सो 1030 तो हो गया 2015 में टोटल रिक्रूटमेंट्स जो हुई थी अक्रॉस ऑल द बैंक्स और बाय ऑल द बैंक्स. अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिक्रूटेड फॉर आंध्रा बैंक इन ऑल द ईयर्स. तो ये रहा आंध्रा बैंक ऑल द ईयर्स ऐड करें 50 प्लस 10 60 प्लस 80 ये बना 140. तो वो ये जानना चाह रहा है कि 140 1030 का अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट है. नियर अबाउट 14% ही हुआ. तो नियरेस्ट चॉइस जो आपको यहां पर दिख रही है वो 15% है. क्या कैलकुलेशन करनी है इसमें, कोई जरूरत ही नहीं है. चॉइसेस देखिए कितनी दूर दूर है एक दूसरे से और अप्रॉक्सीमेटली वर्ड दिया गया है, तो अप्रॉक्सीमेट कीजिए, यू विल इजिली गेट द आंसर. नाउ व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑल कैंडिडेट सिलेक्टेड इन 2015 एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ कैनरा बैंक एंड यूको बैंक इन ऑल थ्री ईयर्स. तो पूछ रहा है आपसे ऑल सिलेक्टेड इन 2015 इज टू कैनरा बैंक प्लस यूको बैंक फॉर ऑल थ्री ईयर्स. ये रेशियो है जो हमें निकालना है. तो ऑल इन 2015 अगर देखेंगे तो 2015 जो है वो तो ये ब्लू लेजेंड से हमें यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है जो कि है 200 प्लस 280 480 प्लस 330 810 प्लस 100 910 प्लस 40 950 प्लस 80 1030. तो ऑल इन 2015 आ गया 1030. अब बात करते हैं कैनरा और यूको बैंक में ऑल द थ्री इयर्स में तीनों साल में टोटल सिलेक्शंस कितने हुई. तो कैनरा बैंक का यहां पर टोटल देख लें तीनों सालों का, कैनरा प्लस यूको तो 130 प्लस 160 290 प्लस 100 390 एक फिगर तो ये मिली. यूको बैंक के लिए इसे ऐड करें 260 प्लस 220 480 प्लस 200 680 ये दूसरी फिगर मिली. इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 680 प्लस 390 तो 680 प्लस 390 मिला के हमें मिलता है 1070. जीरोस कैंसिल होते हैं, 103 इज टू 107. स्ट्रेट क्वेश्चंस है बिल्कुल. ये दिया है चॉइस ए में, जरा ध्यान रखिएगा चॉइस ए और चॉइस डी में जो सीक्वेंस है क्रम है वो जरा रिवर्स है, उल्टा है. लेकिन सबसे पहले क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑल कैंडिडेट सिलेक्टेड इन 2015. तो पहले लेफ्ट में 2015 आएगा, राइट में कैनरा प्लस यूको का टोटल आएगा. नाउ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिक्रूटेड फॉर कैनरा बैंक एंड इंडियन बैंक इन 2017 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स रिक्रूटेड फॉर यूको बैंक एंड आंध्रा बैंक बाय 2017. तो बात हो रही है 2017 की, कैनरा एंड इंडियन इन 2017. तो कैनरा बैंक इंडियन बैंक 2017 इज 290 प्लस 130 दैट इज 420. व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स रिक्रूटेड फॉर यूको एंड आंध्रा अगेन 2017. ये रहा यूको, ये रहा आंध्रा फर्स्ट और लास्ट. तो यहां है टोटल हमारा 260 एंड 50, 260 प्लस 50 बना 310. अच्छा पूछ यहां पे परसेंटेज रहा है, तो कैनरा बैंक प्लस इंडियन बैंक इन 2017 बाय यूको बैंक प्लस आंध्रा बैंक इन 2017 इन 200, ये हमारी रिक्वायर्ड परसेंटेज फिगर आ जाएगी. तो कनाडा प्लस
इंडियन बैंक, यहां पर हमने फाइंड आउट किया था 420, यूको प्लस आंध्रा इज 310 इंटू 100, 42-31 से बड़ा है, 100% से ऊपर की फिगर आनी चाहिए, तो वो तो आप देख रहे हैं हर जगह पर ही आ रही है, पांचों चॉइसेस में आ रही है, नन ऑफ दीज भी नहीं दिया गया है और अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं। तो 4200 को 31 से डिवाइड करने में हमें क्या तकलीफ है, चाहे तो 30 से भी डिवाइड कर दे, देखिए 42 बाय 30 इंटू 100 कर दीजिए, जीरो, हल्का सा हमने डिनोमिनेटर कम किया जिसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वो हल्का सा एक्चुअल आंसर से बड़ा होगा। तो ये 140% के आसपास आता है, 140% आपको यहाँ दिया हुआ है चॉइस डी में, सो चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। 135 पास है, लेकिन आपका अगर यहाँ पर 31 की जगह 32 होता या 33 होता तब आप अप्रॉक्सीमेट अगर 30 पे करते तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता, 31 को 30 पे अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है, खासकर जब 5% का वेरिएशन हो, 135% 140%, तो इट्स वेरी मच नियर टू 140%। नेक्स्ट सेट देखिए, स्टडी द कॉलम ग्राफ केयरफुली, ये देखें आप, अब हमें चार चार बार दे रखे हैं 2009, 10, 11 हर एक ईयर के लिए, ये दिया है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ विजिटर्स ट्रेवल टू इंडिया इन लैक्स, फोर डिफरेंट कंट्रीज देख लीजिए डिफरेंट ईयर्स में, कंट्रीज है रशिया, चाइना, जापान एंड मलेशिया। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम चाइना इन 2014 एंड दैट फ्रॉम मलेशिया इन 2019। तो नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम चाइना इन 2014 ये कितने हैं, देखिए ये रहा चाइना, ब्राउन वाला लेजेंड है इसका, और बात किसकी हो रही है चाइना की यहां पे 2014 की, तो ये है 2014 और ये चाइना है, चाइना की फिगर यहां पर देखें ध्यान से देखें, ये देखिए 3 से ये लाइन स्ट्रेट चली आ रही है यहां तक, तो 300,000 है, ये हो गई 300,000, और नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम मलेशिया इन 2009, सो फ्रॉम मलेशिया इन 2009 ये है मलेशिया, और 2009 यहां पे आ गए हम, ये मलेशिया की फिगर देखें आप, 2 से यहां पर आ रही है, ये रहा 2, तो बस ये छोटे मोटे ग्राफ्स पढ़ने आने चाहिए, और मांग क्या रहा है, डिफरेंस, डिफरेंस ले लीजिए दोनों के बीच में, 100,000 का आ गया चॉइस बी करेक्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन 2013, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स 2013 में इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन 2016, तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो है टोटल विजिटर्स इन 2013 बाय टोटल विजिटर्स इन 2016 इनटू 100। तो आइए ये फिगर्स फाइंड आउट करते हैं, ये रहा 2013, ये है 5, 2, 1 एंड 4, 5 + 2 = 7 + 1 = 8 + 4 = 12, तो 2013 के लिए तो हमें मिला यहां पर 12। 2016 के टोटल विजिटर्स की बात करते हैं, ये रहा, ये है फिगर 3, यहां देखेंगे तो फिगर 5 है, ये 6 और ये 4, 6 + 4 = 10 + 5 + 3 = 18, तो 12-18 का कितना परसेंट है, सीधा सीधा हिसाब है, 6 2 = 6 3 = 2/3 होता है 66, 2/3%, जो कि यहां पर आंसर्स के लिए जो हमें इक्विवेलेंट लेना होगा सबसे पास में। अब देखिए 60% भी है, 70% भी है, लेकिन ये 66, 2/3%, 65 से बड़ा है, तो ये किसके पास हुआ सबसे ज्यादा, 70% के जी, तो चॉइस डी
आपका सही उत्तर है, अप्रॉक्सीमेटली शब्द तो दिया गया है और नन ऑफ दीज भी नहीं दिया गया। तो 60 और 70 में से 67% के आसपास अगर आपके पास फिगर है तो वो 70% के ज्यादा नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द विजिटर्स गो टू अम्यूजमेंट पार्क द एंट्री फीस फॉर मलेशिया विजिटर इज 350, चाइना विजिटर इज 450, फॉर ऑल विजिटर्स देन व्हाट इज द टोटल इनकम फॉर दैट पार्क फ्रॉम बोथ द कंट्री विजिटर्स ड्यूरिंग 2014 टू 2016। 2014, 15, 16 की फिगर्स चाहिए, किन किन की? मलेशिया और चाइना, ये रहा मलेशिया, ये रहा चाइना। तो मलेशिया की फिगर जो है यहां पर आई 5, यहां 2 और यहां 4, जबकि चाइना की फिगर्स आई 3, 4 एंड 5। तो जी मलेशिया वाला जो फिगर हमें मिला है वो है 5 + 2 + 4 = 7 + 4 = 11। चाइना की फिगर हमें यहां पर मिली है 3 + 4 = 7 + 5 = 12, ये सब लैक्स में है। और यहाँ मलेशिया के एक विजिटर की एंट्री फीस 350 है और चाइना के एक विजिटर की फीस 450 है। तो लीजिए जी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आसान है, 11 5 = 55, 11 3 = 33 + 5 = 38, ये एक जीरो आया, 12 5 = 66 बचा, 12 4 = 48 and 6, 54 बचा, यहाँ 50, यहाँ 92, ये आया टोटल। अब ये लैक्स में है और जबकि आपको जो भी चॉइसेस दी गई हैं वो करोड़ में दी गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9250 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 92.5 करोड़, जो कि आपको दिया गया है चॉइस सी में। तो सी आपका उत्तर है, सिंपल कैलकुलेशन। और ये चीज जांचना चाह रहे हैं कि आप ग्राफ को ढंग से पढ़ पाते हैं या नहीं, तो सिंपल सी एडिशन, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री, कंट्री ढूंढनी है यहां पे, इज द नंबर ऑफ विजिटर्स ट्रेवल टू इंडिया मैक्सिमम ड्यूरिंग द 8 years। इसमें कुछ कैलकुलेशन की खास जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है एक या दो जगह पर हमारा डाउट हो। अब देखिए, ये रशिया भी हो सकती है, जापान भी हो सकती है ये कंट्री, क्योंकि यहां रशिया ज्यादा है जापान से, यहां जापान ज्यादा है रशिया से, फिर रशिया ज्यादा है जापान से, फिर रशिया ज्यादा है जापान से, फिर जापान ज्यादा है रशिया से। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना हर साल किसी ना किसी से तो कम है, तो मैक्सिमम चाइना तो हो ही नहीं सकता, तो चाइना को तो हटा दें। ठीक इसी तरह से मलेशिया नहीं हो सकता, क्योंकि मलेशिया यहां पर हर वर्ष हर साल किसी ना किसी कंट्री के नंबर ऑफ विजिटर्स से कम ही है, तो मलेशिया भी आउट है। तो जापान और रशिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं रशिया, फिगर्स देखिए कितनी है, 6 और 7 13 और 4 17 and 5 22 and 5 27 and 7 34 and 6 40 and 3 43। तो रशिया की तो टोटल जो आ रहा है यहां पर नंबर ऑफ विजिटर्स वो है 43 लाख। तो चलिए जापान का भी देख लेते हैं, जापान की ये फिगर है 7 + 1, ये तो बहुत कम हो गई, यहां नीचे यहां देखें 8 हो गया + 6 14 + 7 21, फिर एकदम से कम 1, फिर कम 1, यहां 23 हो गए और ये 7 30 and 6 36। सो रशिया विंस, जी बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ विजिटर्स मैक्सिमम कहां से थे जो इंडिया को विजिट किए, रशिया से किए, भगवान करे बाकी कंट्रीज से भी काफी सारे विजिटर्स आए और फॉरेन करेंसी हमें और प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द विजिटर्स फ्रॉम रशिया डोनेट 400 रुपीज ईच फॉर अ चिल्ड्रन फाउंडेशन एंड ईच विजिटर फ्रॉम जापान डोनेट्स
for the same foundation 20% more than that of Russian visitors. Then what is the ratio of the donation? Ratio nikalna hai of donation of Russia in 2015 to that of Japan in 2016. So Russia in 2015 to Japan in 2016. Yeh ratio nikalna hai. By Russia mein 2015 yeh figure hai 6 lakh. Jabki Japan ke liye 2016 mein yeh figure hai 6 lakh hi. Dono mein hi 6 lakh hai. तो कैलकुलेशन आसान हो गई. रशिया की 6 लाख है 2015 में इनटू 400 और जापान की 6 इनटू 400 इनटू 1.2 टाइम्स 20% ज्यादा है भाई. तो ये लीजिए कट गया 1:1.2 10:12 5:6 जो कि दिया गया है चॉइस ई में. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो चलिए अभी आपने देखा डेटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ पे आधारित क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है. तो भाई अगर तो बैंकर बनना है तो कैलकुलेशंस पे पकड़ तो अच्छी होनी ही चाहिए. अगली डिस्कशन में फिर मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट.